स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल आई टी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और फर्स्ट ईयर की क्लास है और हम लोग जो कर रहे हैं अभी तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित औजार यानी इलेक्ट्रिकल के टूल्स क्या क्या यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए थे और ISI चिन्ह से रिलेटेड जो भी वायरिंग के नियम थे वो भी कर लिए हैं। आज हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, यानी महत्वपूर्ण बिंदु में आपको 25 से 30 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो पूरे चैप्टर का कंप्लीट आपको इसी लाइनों पे कम समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले एक एक करके अपन समझते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पूरी क्लासेस इसमें मिल जाएंगी। जैसा कि फर्स्ट नंबर दिया गया है कि किसी राशि का मात्रक एवं किसी उत्पाद के आकार प्रकार आदि का निर्धारित रूल मानक कहलाता है। यानी किसी भी राशि का जो मात्रक होता है एवं किसी उत्पाद के आकार हो गया उसके प्रकार हो गए आदि का निर्धारित रूप मात्रक कहलाते हैं, मानक कहलाते हैं। भारत में वस्तुओं के मानकीकरण के लिए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानक स्थापित किया गया है। यानी भारत में जो एक्ट या रूल देखा जाए तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन के अनुसार ही हम लोग कहीं भी वायरिंग करते हैं, कोई भी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अगला दिया गया है मात्रकों की ESI प्रणाली के अंतर्गत 7 मूल 2 संपूरक एवं विभिन्न व्युत्पन्न राशि आती है। अगला पॉइंट की बात करें, प्लायर उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील से बनाए जाते हैं जो छोटे धात्विक अवयवों को पकड़ने जकड़ने खींचने व घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्लायर। प्लायर का यूज पूछा गया है कि प्लायर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, तो प्लायर जो होती है उच्च गुणवत्ता युक्त स्टील से बनाया जाता है। प्लायर का काम छोटे धात्विक अवयव को पकड़ना हो गया, उसको जकड़ने के लिए या खींचने के लिए घुमाने के लिए हम एक सामान्य प्लायर का यूज करेंगे। प्लायर बहुत प्रकार की होती है, जैसे लॉन्ग नॉच प्लायर, कटिंग प्लायर, बीकन प्लायर, तो इसी तरह के देखोगे तो 5 से 6 प्रकार के आपको प्लायर टाइप्स का प्लायर मिल जाएंगे। सभी प्लायर का अलग अलग जो है यूज किया जाता है। अगला दिया गया है बीकन कटर प्लायर, जिसे पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। 100, 125, 140, 160, 180 एवं 200 mm की लंबाई में बनाए जाते हैं। यानी कि 125, 140, 160, 180, 200 mm की लंबाई में बीकन कटर प्लायर बनाया जाता है, डायगोनल प्लायर भी उसको बोल सकते हो। अगला है धातु के छोटे टुकड़ों एवं तारों को बनाने एवं उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए फ्लैट नोज प्लायर का यूज किया जाता है। धातु के छोटे टुकड़े हो गए एवं तार के होते हैं, तार के टुकड़े हो गए, धातु के टुकड़े हो गए, उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए फ्लैट नोज प्लायर का यूज किया जाता है। आपसे भी पूछ सकते हैं कि फ्लैट नोज प्लायर का यूज कहाँ पे करते हैं, आप बता सकते हो धातु के छोटे टुकड़ों एवं तारों को बनाने एवं उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए फ्लैट नोज प्लायर का यूज किया जाता है। इसी में है नेक्स्ट है राउंड नोज प्लायर, जो कि आकृति शंक्वाकार होती है, जिस कारण इसे विभिन्न परिमापों के वक्र एवं वृत्ति बनाना संभव होता है। यानी जो राउंड नोज प्लायर होती है जो कि आकृति शंक्वाकार, जिसकी आकृति शंक्वाकार होती है, जिस कारण इनमें विभिन्न परिमापों के वक्र एवं वृत्ति बनाना संभव हो जाता है। अगला है बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने अथवा जकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर में एक पाइप ग्रिप प्लायर लगा होता है। यानी जो बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए, बेलनाकार जो वस्तु होती है उसको पकड़ने के लिए जकड़ने के लिए कॉम्बिनेशन जो प्लायर होती है, तो उस प्लायर पे एक ग्रिप बनी होती है, छोटा सा होल होता है, ग्रिप बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गोल चीज़ को पकड़ सकते हैं। एक सामान्य प्लायर पे ग्रिप बनाई जाती है, कॉम्बिनेशन प्लायर पे। नेक्स्ट है हैमर के प्रमुख भाग, एक फेस होता है, पिन होता है, आई होल होता है, नेक होता है, हैंडल होता है। यानी एक हैमर में देखोगे तो उसका फेस होता है, इसको फेस बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं, इसको आई होल बोलते हैं। तो इस प्रकार के आपको एक हैमर में बहुत सारे पार्ट मिल जाएंगे। अगला है धात्विक चादरों पर प्रयोग किए जाने वाले लकड़ी के बने हैमर मैलट कहलाते हैं। धात्विक चादर पर प्रयोग किए जाने वाले जो लकड़ी के हैमर बने होते हैं उसको मैलेट कहते हैं, कुछ इस प्रकार का। यानी ये पूरा के पूरा लकड़ी का बना होता है, इसलिए इसको मैलेट बोलते हैं, ठीक, ये धातु का नहीं होता।
आगे देख लेते हैं। संरचना के आधार पर डिवाइडर के दो प्रकार रिवेट टाइप तथा स्प्रिंग टाइप होते हैं। संरचना के आधार पर जो डिवाइडर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक में एक डिवाइडर पर स्प्रिंग लगाई जाती है, एक डिवाइडर में रिवेट लगी होती है। इसी में नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर, जिसे गुनिया भी कहते हैं, ट्राई स्क्वायर जिसे गुनिया भी कहते हैं। इसका प्रयोग वैद्युतिक वायरिंग में समकोणता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी जो ट्राई स्क्वायर होता है उसको हम गुनिया भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है वैद्युतिक वायरिंग में समकोणता की जांच करने के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्टील रूल द्वारा कम से कम मापी जाने वाली लंबाई, अर्थात इसका अल्पतमाप 0.5 mm अर्थात 1/32 inch होता है। स्टील रूल आपको मालूम होगा, जो स्टील रूल होती है यानी स्केल जो होती है, कम से कम मापी जाने वाली लंबाई को हम 0.5 mm तक माप सकते हैं, अर्थात 1/32 inch की स्टील रूल होती है। अगला है, इसी में सारे टूल्स पढ़े थे, उस टूल्स का ये चीज़ पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। 1 mm के 100वें भाग तक मापन करने में सक्षम माइक्रोमीटर द्वारा तार का व्यास ज्ञात किया जाता है। 1 mm के 100वें भाग तक माप करने के लिए, मापन करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। मतलब बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक या बहुत पतले वायर का मेजर करना है तो हम लोग माइक्रोमीटर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अगला है सुपर इनेमल तार अथवा केबल के व्यास के साथ साथ धात्विक चादर की मोटाई ज्ञात करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। केबल हो गई, वायर हो गया, धात्विक चादर हो गई, तो इसका यूज करने के लिए, इसका व्यास नापने के लिए हम लोग वायर गेज का यूज करते हैं। वायर गेज होता है, उस वायर गेज के माध्यम से हम लोग सुपर इनेमल तार होते हैं, पतली पतली चादर की सीट होती है, उनकी एमएम व्यास माप सकते हैं वायर गेज के माध्यम से। नेक्स्ट है वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए 15-35 bar तक के शोल्डरिंग आयरन प्रयोग किए जाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रीशियन के लिए जो सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं वो 15-35 bar तक के लिए यूज करते हैं। सबको मालूम है कि जो दो तारों के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए, मेल्ट करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं, जिसे हम कहिया भी बोलते हैं। अगला है इसमें हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता, उसके ड्रिल चक्र की, ड्रिल इसको चक्र बोल दो, चक्र की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है, जो प्रायः 6-8 mm की होती है। हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता उसके ड्रिल चक्र की ड्रिल बिट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है, जो प्रायः 6-8 mm की होती है। अगला इसी में रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन लकड़ी की वस्तुओं में बड़े आकार के छिद्र करने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन लकड़ी की वस्तुओं में जो बड़े आकार के छेद होते हैं, यानी हमें इतना चौड़ा होल करना है या गोलाई पे करना है, तो वहाँ पे हम लोग रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन के यूज करेंगे। क्योंकि ड्रिल जो मशीन होती है छोटे छोटे छेद करती, पतले पतले होल करती है, जो रैचेट ब्रेस होती है चौड़ा होल मारती है, होल ड्रिल जिसको बोलते हैं। अगला है स्निप, स्निप 15 cm से लेकर 35 cm की होती है। इसने 15 cm से 35 cm लंबी कैंची होती है, जो पतली धात्विक सीटों को काटने के लिए उपयुक्त होती है। जो इसने, मैंने बताया था कि इसने 15-35 cm लंबी होती है, धात्विक चद्दर, धात्विक सीट काटने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, स्निप का। इसी में अगला है विभिन्न मोटाई के तार का इंसुलेशन छीलने के लिए 20 cm लंबे वायर स्ट्रीपर प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न मोटाई के, अलग अलग मोटाई के तार का जो इंसुलेशन होते हैं, जो उसकी रबर होती है, उसको छीलने के लिए 20 cm लंबे वायर स्ट्रिपर का यूज करके हम लोग आसानी से उसको छील सकते हैं। मैंने बताया था कि वायर स्ट्रिपर का यूज कहाँ पे होता है, वायर स्ट्रिपर का यूज अलग अलग मोटाई के तार हो गए, केबल हो गए, इसका इंसुलेशन छीलने के लिए ही यूज किया जाता है वायर स्ट्रिपर का। नेक्स्ट है मशीनों के नट बोल्ट आदि को कसने एवं खोलने के लिए 6, 12, 19 आदि संख्या के सेट के रूप में स्पेनर उपलब्ध होते हैं। मशीन के नट हो गया, बोल्ट हो गया, आदि को कसना हो, खोलना हो, उसके लिए 6-12, 19 आदि संख्या के सेट के रूप में हम लोग स्पेनर का यूज करेंगे। इसी में नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पेनर, एडजस्टेबल स्पेनर जिसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं,
प्रायः 15, 20, 25 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। जो एडजस्टेबल कहे तो जिसकी हम जो जबड़ा होते हैं, जबड़े को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल, जिसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं। प्रायः हम इसको 15, 20, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में हम लोग कर सकते हैं। अगला है केबिल ज्वाइंट में जोड़ को गर्म करने तथा शोल्डर को पिघलाने के लिए प्रयुक्त ग्लो लैंप मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है। मैंने दिखाया भी था आप लोगों को कि केबिल के जो ज्वाइंट होते हैं उसको हमें हीट करना है, गर्म करना है, या सोल्डरिंग जो पहले से की होती है उस सोल्डर को पिघलाने के लिए हम लोग को ग्लो लैंप का यूज करना पड़ता है। जो ग्लो लैंप होता है मिट्टी के तेल से चलने वाला एक स्टोव होता है। अगला इसी में दिया गया है वैद्युतिक मशीनों में शाफ्ट पर कसी पुल्ली को उतारने के लिए प्रयुक्त पुल्ली पुलर लेग समायोजित प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट से पुल्ली हो गया, बैरिंग हो गई, तो हम लोग उसको बाहर निकालने के लिए पुल्ली पुलर का यूज करते हैं। मैंने पुल्ली पुलर आपको दिखाया भी था। ठीक, नेक्स्ट है हस्त औजार को जंग से बचाने हेतु समय समय पर इनके धात्विक भागों पर ग्रीस अथवा मोबी आयल स्नेह करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं, जो हाथ का टूल्स है, उसको हम लोग जंग से बचाने के लिए ग्रीस या आयल दे सकते हैं, जिससे वो जंग से बच जाएगा। इसी में नेक्स्ट है कि धात्विक मशीनों की शाफ्ट पर बियरिंग उतारने के लिए बियरिंग कूलर का यूज करते हैं। पुल्ली को बाहर निकालने के लिए पुल्ली पुलर का यूज किए थे। जो मशीन मोटर अल्टरनेटर जो बैरिंग लगी होती है, बैरिंग को बाहर करने के लिए हम लोग बैरिंग पुलर का प्रयोग करते हैं। इसी में नेक्स्ट है पाइप रिंच कंड्यूट तथा जीआई पाइप सॉकेट आदि को कसने तथा खोलने के लिए उपयोग करते हैं। जो पाइप रिंच होती है, पाइप रिंच का उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप, कंड्यूट पाइप होती है, जीआई पाइप होती है, सॉकेट को कसना हो तथा खोलना हो उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। मैंने बताया भी था लाइटिंग लोड के लिए 10 से ज़्यादा उपभोग नहीं होने चाहिए, पावर परिपथ के लिए 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी में अगला है मध्यम तथा उच्च वोल्टेज क्रम से 650 वोल्ट से लेकर 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीन ट्रांसफार्मर आदि की दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो 650 वोल्ट 11,000 वोल्ट पर चलती हैं, उनको हम लोग को कम से कम 2 अर्थ करना चाहिए, तभी वो काम करेंगी। नेक्स्ट है फार्मर छेनी की धार कुंद खराब हो जाने पर इसे आयल स्टोन या बाटर स्टोन पर घिसकर तेज की जाती है। जो फार्मर छेनी होती है उसकी जो धार होती है, धार को और तेज करने के लिए हम लोग के पास पत्थर होता है, आयल स्टोन या बाटर स्टोन, उसमें से घिस घिस कर उसको तेज कर लेना चाहिए। विद्युत कारिणी इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयोग की जाने वाली टेनन आरी की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है की होल आरी द्वारा गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान की जाती है। की होल आरी जो होती है उसको जो गोल छिद्र होते हैं, गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार हम उसको काट सकते हैं, आकृति दे सकते हैं। की होल आरी देखो पतली सी होती है, ज़्यादा लंबी होती है। इसी में नेक्स्ट है विद्युत मैकेनिक फ्लैट टिप वाले 8 से 30 सेंटीमीटर सैंक लंबाई वाले पेचकस यूज करते हैं। विद्युत जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिक होता है, जो फ्लैट टिप के 8 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर जो सैंक की लंबाई वाले स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उसी का यूज एक इलेक्ट्रीशियन करता है। नेक्स्ट है पोकर जिसे सुम्मी या ब्राडल भी कहते हैं, सैंक की लंबाई प्रायः 20 सेंटीमीटर होती है। यानी पोकर जिसमें से हम कहीं छेद करते हैं पेच लगाने के लिए, उसकी जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है। अगला है रोल प्लग टूल का होल्डर माइल्ड स्टील से तथा इसकी बिट कार्बन स्टील से निर्मित होती है। नेक्स्ट है फेज टेस्टर 500 वोल्ट की वोल्टेज तक ही कार्य करने में सक्षम होते। मैंने बताया था जो फेज टेस्टर होता है लाइन की उपस्थिति बताते हैं कि यहाँ पे लाइन है या नहीं है। हम लोग उससे देखते हैं तो यहाँ पे नियॉन लैंप लगा होता है, उस नियॉन लैंप ग्लो करता है, जलता है, जिससे हमें पता चलता है। तो वही बोला कि उस टेस्टर को यूज ओनली 500 वोल्ट तक वोल्टेज तक ही करना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रीशियन द्वारा नाइफ की काम धार वाले ब्लेड का प्रयोग एस आई तार इनेमल और गंदगी हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
टेस्ट लैंप का प्रयोग 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर नहीं करना चाहिए। मैंने टेस्ट लैंप आपको बहुत अच्छे से दिखाया था। एक टेस्ट लैंप का हम लोग उपयोग बिजली की उपस्थिति एक जांचने के लिए करते हैं। जो टेस्ट लैंप होते हैं ओनली सिंगल फेस या 250 वोल्ट तक के वोल्टेज को ही मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है स्क्राइबर। स्क्राइबर स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना नुकीला व पैना औजार होता है। स्क्राइबर जो होता है स्टील के हो अथवा कार्बन स्टील से बना नुकीला व पैना औजार होता है। अगला है सेंटर पंच तथा प्रिंक पंच के बिंदु कोण क्रमशः 90 अंश तथा 30 अंश तथा 60 अंश होते हैं। सेंटर पंच यानी किसी भी टूल्स में मार्किंग करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का यूज करते हैं। 90 अंश होता है, 30 अंश होता है, 60 अंश। सेंटर पंच का 90 एंगल होता है, प्रिंक पंच का 30 होता है, कोण एंगल बताया गया है। डिवाइडर माइल्ड स्टील अथवा हाई कार्बन स्टील से निर्मित कंपास के समान एक प्रकार का मार्किंग औजार है। डिवाइडर यानी कोई भी चीज़ों को दो भागों में बांटने वाला जो टूल्स होता है यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। संरचना के आधार पर डिवाइडर के दो प्रकार के रिबिट टाइप तथा स्प्रिंग टाइप के होते सबको मालूम होना चाहिए। ये तो हो गया है। बस यहीं तक था। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टूल रूल बताया गया था। तो आज की ये क्लास सेकंड क्लास ख़त्म कर दिए हैं अपन। मिलते हैं यानी चैप्टर दो भी ख़त्म हो गया है, इलेक्ट्रिकल टूल्स ख़त्म हो गया है। अपन इलेक्ट्रिकल टूल्स ख़त्म करने के बाद थर्ड चैप्टर पर पढ़ेंगे कल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।